हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कैंडीवा। दिस इज दिव्या अग्रवाल। सो फ्रेंड्स, एज यू नो कि हर मंडे को आपको इस चैनल पे मिलते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, एंड अलोंग विद दैट आपको हर मंडे टू सैटरडे मिलते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री की वीडियोस लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड। सो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट, से आप एमएससी एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उससे हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन दो अगर आप आईआईटी जेई नीट आईआईटी जैम सीएसआईआर नेट गेट जीआरएफ DU, BHU, etc. इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड ताकि आपको वीडियोस रेगुलर यहाँ पे मिलते रहे और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे हर एक अपकमिंग वीडियो के ऊपर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थ्री ब्रेन एक्सरसाइजेस विच विल डेफिनेटली इंप्रूव योर मेमोरी पावर्स। जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत है फ्रेंड्स, वो है कि वो चीजें पढ़ रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं होता। जब कोई टीचर कुछ समझा रहा होता है तो उस वक्त मतलब एकदम से समझ में नहीं आता है, बहुत देर में जाके चीजें समझ में आती हैं। ये वन ऑफ द प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो है कि दिमाग में चीज रिटेन नहीं रह रही, तो रिटेन नहीं रह रही वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है एक ही बार में चीजें समझ में नहीं आ रही। उसका कारण है कि जो रिसेप्टर्स हैं, आपका जो ब्रेन है और जो आपका इंफॉर्मेशन है उनके बीच में जो कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं पे लैग कर रहा है, टाइम लैग कर रहा है, जल्दी से आपके दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा। उसका कारण है कि हम अपने ब्रेन को हो सकता है वो एक्सरसाइज नहीं दे रहे, हो सकता है उतना बूस्ट नहीं कर पा रहे जितना उसको जरूरत है। जैसे कि एक छोटा सा बात है कि अगर आपको अपने मसल्स को डेवलप करना है तो डेफिनेटली आप बैठे बैठे बिस्तर में आपके मसल्स नहीं डेवलप होंगे, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू वॉक एक्स्ट्रा माइल, यू हैव टू रन एक्स्ट्रा माइल, यू हैव टू परफॉर्म सम एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस, कार्डियोवैस्कुलर एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस, जिनको यूज करके आपके मसल्स डेवलप होंगे। उसी तरह से हमारा जो ब्रेन होता है वो भी एक्सरसाइज मांगता है। तो मैं इस वीडियो में आपको तीन वो एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जिनको यूज करके 110% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट डू दीज एक्सरसाइजेस फॉर नेक्स्ट 21 डेज एंड कम बैक टू द वीडियो, कमेंट डाउन योर रिजल्ट्स एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि आपको उससे कितना फायदा हुआ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करी होगी, आपके जो फिंगर टिप्स होते हैं ये अगर गलती से भी किसी गर्म चीज को टच कर ले तो एकदम से आपका हाथ हटता है, आपको सेंस बाद में होता है। पर अगर आपका ये वाला पोर्शन या कोई और हाथ का पोर्शन किसी गर्म चीज को या ठंडी चीज को टच करेगा तो थोड़ी देर में जाके आपको फील होता है, आपके ब्रेन में बहुत थोड़ा देर में जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ब्रेन के ये जो हमारे टिप्स होते हैं, फिंगर के टिप्स होते हैं, ये हमारे ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। दिस इज अ एक्यूप्रेशर टेक्निक, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो एक्चुअली हमारा क्योंकि जो ब्रेन है वो इन रिसेप्टर से कनेक्टेड है, हमारे ये जो फिंगर के टिप्स होते हैं यहाँ पे मोर देन 3000 मक्यारो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो 3000 से ज्यादा मक्यारो रिसेप्टर्स होते हैं, ये मक्यारो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर जाएगी और अगर जाने के बाद में वो आपके ब्रेन पे क्लिक ना करे तो वो इंफॉर्मेशन क्रैश जाती है, मतलब डस्टबिन में चली जाती है, आपके दिमाग तक वो चीज सबकॉन्शियस वे में जा ही नहीं पाती, तो आप उसको रिटेन नहीं रख पाते, आप उस चीज को समझ नहीं पाते। तो जो पहली एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो ये है, आपका राइट हैंड सबसे पहले इसको एकदम स्ट्रेट करो। इस राइट हैंड की जो टिप्स दिख रहे हैं आपको, ये जो नेल आपको दिख रहा है, इस नेल से ऐसे करके आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे अप्रोक्सीमेटली 25-30 टाइम्स पर डे करना है। ये आप खाना खाते खाते, कुछ भी करते करते, जब भी फ्री हो, पढ़ते पढ़ते भी ऐसा अगर करेंगे तो आपके जो यहाँ के ये जो 3000 माइक्रो रिसेप्टर्स हैं ये आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, और इस एक्टिवेशन से आपका ब्रेन भी एक्टिवेट होगा। जो सेकेंड एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो ये है कि ये जो आपका हैंड है, अगेन राइट हैंड को स्ट्रेट करें, उसको ये वाला जो फिंगर है उसको ऐसे कर रखें और ऐसे करके दबाएं 1 2 3 4 देन अगेन 1 2 3 4 ये भी आप 25-30 मिनट्स करें। इसके करने से आपके ब्रेन की जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, और उस एक्टिवेशन से आपका जो ब्रेन है वो चीजों को मतलब जो रिसेप्टर्स हैं वो जल्दी से कनेक्ट होंगे। जल्दी से कनेक्ट होंगे तो एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन पे स्विच करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये पहली चीज है। दूसरी जो चीज है वो है ऑक्सीजन सप्लाई। आपके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन अगर नहीं जाएगी, अगर आप बिल्कुल ही कैजुअली चलेंगे तो आपका ब्रेन बूस्ट नहीं हो पाएगा। वो जब तक पजल्स को सॉल्व नहीं करेगा, हर्डल्स को सॉल्व नहीं करेगा, तो ब्रेन की एफिशिएंसी डाउन जाएगी। जितना हल्के में लोगे चीजों को उतना हल्के में आपका ब्रेन भी काम करेगा। तो आपको अपने ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचानी है। आई विल सजेस्ट कि मिनिमम 15 मिनट्स ब्रेथलेस एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि स्किपिंग कर सकते हो कॉन्स्टेंट, रनिंग कर सकते हो कॉन्स्टेंट, या कोई भी, या
कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, डांस कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जो आप कॉन्स्टेंट करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई एकदम से बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ता है, तो इससे आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत सारी ऑक्सीजन को कैप्चर करता है और इससे बहुत सारे टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो आपका ब्रेन एकदम काम क्वाइट हो जाता है। जो तीसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है फ्रेंड्स कि आपको आपको एक बहुत ही माइल्ड म्यूजिक, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे मेडिटेटिव टेक्निक्स भी बताए हुए हैं, आपको बहुत ही माइल्ड, देखो मेडिटेटिव टेक्निक्स को अगर आप यूज करोगे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को आपको सुनना है। जैसे जैसे कि अब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एक्सरसाइज को करने के बाद में आपका जो बॉडी होती है वो थक जाती है, तो आप रेस्ट करते हो ना, आप सो जाते हो। तो इसी तरह से जब हम कोई पढ़ाई करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो एक मैंने आपको 4-4-4 ब्रीदिंग टेक्निक बताई थी कि 4 seconds के लिए इनहेल, 4 seconds के लिए होल्ड दैट ब्रेथ एंड 4 seconds के लिए एक्सहेल। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा काम की होती ही है। उसके साथ में आप क्या करो, माइल्ड म्यूजिक सुनो, ईयर प्लग्स या ईयरफोन जो भी आप यूज कर रहे हैं आप हल्के से अपने कानों पे लगाएं फॉर नेक्स्ट 5 to 10 minutes और 15 minutes, बहुत ही काम क्वाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को आप सुनो, आपका ब्रेन एकदम से रिलैक्स होएगा और इस रिलैक्सेशन से आपके जो ब्रेन के जो सेल्स यू नो क्रैक होते हैं जिस वक्त आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रेन में क्या होता है, जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो खत्म होते हैं और न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो न्यू सेल्स को बूस्ट मिलता है और ओल्ड सेल्स को डेड होने में मदद मिलती है। तो दिस इज थर्ड हैक विच यू कैन यूज। एंड अगेन जो लास्ट चीज जो मैंने आपको कल क्लास में भी बताई थी, आज दोबारा बता रही हूँ, वो है कि आपने जो भी सुबह से लेके शाम तक जो भी किया अपने दिन में, उसको आप दिमाग में वापस रिकॉल करो। जब आप सो जाते हो तो आप एक मुद्रा होती है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, चलो जो भी बोलते हैं, आप लेट जाते हो, मतलब जब आप लेट जाते हो तो लेटने के बाद में शवासन, यस आई गॉट इट, शवासन, जब आप लेट जाते हो रात को तो बिल्कुल आप एकदम रिलैक्स्ड होते हो। तो उस वक्त जब आप अपने पूरे दिन में सबसे पहले आप उठे, आपने ब्रश किया, फिर आपने यू नो मेडिटेशन किया, फिर आपने अपने टीचर का लेक्चर को रिकॉल किया, रिवाइज किया, फिर आपने टीचर के लेक्चर में आपने अटेंड किया, उसके बाद में आपने नाश्ता किया, दिन में आपने क्या क्या किया, एक्स वाई जेड जो भी चीजें, तो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपने क्या क्या किया पूरी चीज को रिकॉल करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपका ब्रेन ना काम पे लग जाएगा, आपके ब्रेन को एक तो ये चीज पता चलेगी कि मैं कहां कहां पे गलत हूं, कहां कहां पे सही हूं, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपने अपना एफिशिएंट काम किया या नहीं किया, कितना बेकार काम किया, कितना सही काम किया, और इससे आपका ब्रेन पूरा का पूरा बूस्ट हो जाएगा। तो ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, अगर आप इनको विदाउट एनी ब्रेक 21 डेज तक रोजाना करते हो तो आई कैन गारंटी यू विल गेट द रिजल्ट्स। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, यू विल गेट द रिजल्ट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल एंड, एंड यस आई रिक्वेस्ट यू कि नेक्स्ट वीडियो में भी आप आए और इसमें आप जरूर नीचे कमेंट डाउन करें, बताएं मुझे और क्या क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं। हर मंडे को आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इस वीडियो को जितना ज्यादा पहुंचा सकते हैं हर उस स्टूडेंट के पास जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है या थोड़ा सा भी यू नो डीमोटिवेटेड है, तो इस वीडियो को जरूर आप उस तक पहुंचाएं, उस बच्चे की मदद करें, उसको आपकी जरूर जरूरत है। एंड यस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड यस कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें, अपनी चीजों के बारे में बताएं, कहां आपको दिक्कतें आ रही हैं, किन और टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं मुझसे वीडियो, और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें। नीचे गूगल फॉर्म भी यू नो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस गूगल फॉर्म को फिल करें, अपनी क्वेरीज डालें, मोटिवेशनल वीडियोस पे आपको उसके ऊपर आंसर्स मेरे द्वारा जरूर मिलेंगे। एंड यस, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक गिवन है, अगर आप जो भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ उसके आपको यू नो नोट्स चाहिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो स्लाइड चाहिए, हर रोज डेली वहाँ अपडेट होता है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, दिस इज दिव्या अग्रवाल।